Thank you.
क्या है बनाया हुआ है इसको, यहाँ के एक लोकल कलाकार ने बनाया था, किशन लाल भुसेल ने। इसको फॉरेस्ट वालों ने वैन लगाया, वैन इसने लगाया कि आप अभी जो मंदिर देखने जा रहे हैं ये पूरा नेचुरल है, इसके सामने कुछ भी आड़ी बंदी बैठा हुआ दिखेगी। ऊपर टॉप पे देखना, देखो थोड़ा सा पत्थर दिखेगा आप लोग, नंदी की आकृति का है। हाँ है सभी को। हाँ देखिए अभी आप जिस मंदिर में जा रहे हैं, हाँ शंकर जी की शिवलिंग और यहाँ हर शिवरात्रि में पचमढ़ी के लोग ऊपर जाके नंदी की पूजा करते हैं। पहले यहाँ नीचे पार्किंग था, वहाँ से रास्ता गया हुआ है। उसके बाद यहाँ की जो खास जानकारी है, दुकान के बाजू से रास्ता गया हुआ पकड़, यहाँ से 5 किलोमीटर दूरी पे गाँव पड़ता है जिसका नाम है बदकछा। पचमढ़ी के अंदर खेती किसानी नहीं होती है, यहाँ का पूरा एरिया पहाड़ी एरिया है। इधर जो आदिवासी पेड़ चलाने के लिए झाड़ू गट्ठा जड़ी ये सब ला के पचमढ़ी के अंदर सप्लाई करते हैं, इससे अपना पेट चलाते हैं। और यहाँ सिटी की पूरी आबादी 19,500, जिसमें सरकारी यहाँ 3 सेंटर हैं, फॉरेस्ट सेंटर, पुलिस सेंटर, मिलिट्री सेंटर, जो सरकारी सर्विस वाला है उधर बटा हुआ, बाकी सब टूरिस्ट पर निर्भर है। वैसे ही पचमढ़ी में 27,000 जड़ी बूटी की फैमिली पाई जाती है। 4-5 चीज़ यहाँ सबसे विशेष होती है। पहले ये बताएं कि आपने ओनियन कितना बड़ा देख लिया, प्याज बताइए। पचमढ़ी में 1 किलो से लेकर 50 किलो तक का प्याज पाया जाता है। ये साइज का प्याज आपको देखना है। यहाँ 4 नंबर ऑफिस होता है, फॉरेस्ट का बड़ा ऑफिस, यहाँ अधिकारी बैठते हैं, वहाँ से परमिशन लेना पड़ता है, वहाँ से वो आपके गाइड भी देते हैं जंगलों के पाइंट और जड़ी बूटी की जानकारी के लिए। इनके साथ जंगलों में घूमने जाएंगे आप तो वो आपको 50-50 किलो के पैर लगे हुए दिखाते हैं, 2-4-5 किलो के निकाल के दिखाते हैं। जटाशंकर पर आप सवेरे 9 से 11 तक रुकते हैं, ये रास्ते से आदिवासी आना जाना करते हैं। अच्छा इनके पास त्योहार मणि का जितना पहाड़ पत्थर है, ये रेतीला सैंडस्टोन पहाड़ है। आपने इसका बुक में पढ़ा होगा, इसको सेडिमेंटरी रॉक्स बोला जाता है। इसमें से कहीं पे भी एक जगह पानी बहता है तो रेत कटती है, रेत कटती तो आकृति बनती है। गणेश भगवान पानी से कट के बने हुए हैं। तो ये पहाड़ों की विशेषता है, 4 महीने जो बारिश होती है तो ये पहाड़ पानी सूखते हैं। पचमढ़ी में आपको 12 महीना हरियाली मिलेगी, किसी भी मौसम में आएंगे आपको हरियाली मिलेगी। हरियाली का कारण होता है पड़ोस से पानी मिलना। शिलाजीत का नाम सुना होगा आप लोग ने, शिलाजीत देखिए 2 प्रकार का होता है, एक चंद्रतापी होता है, एक सूर्यतापी होता है। चंद्रतापी निकलता हुआ नेपाल और कश्मीर में देखने को मिलता है, चिकने ठंडे पत्थरों में। सूर्यतापी शिलाजीत है, सैंडस्टोन पड़ोस से निकलता है। यहाँ गर्मियों में आपको बिल्कुल लिक्विड और गीला निकलता हुआ देखने को मिलता है। जो ऊपर देखें पहाड़ों पर यह कुछ चॉकलेटी ब्राउन कलर का पानी जैसा धार दिख रहा है, देखिए शिलाजीत है। ये बारिश के कारण धुल गया है, बंदरों ने इसको चाट लिया है। पचमढ़ी में जब गर्मी ज़्यादा पड़ती है पत्थर गर्म होता है, जब उस जगह से लिक्विड बहता है और शाम होती तो जम जाता है। यहाँ आदिवासी लोग पत्थरों से चढ़ के इसको पत्थर से ही खरोचते हैं, खरोच के फिल्टर करके फिर शिलाजीत को निकालते हैं। बोले अपने धार आया हुआ पानी के अच्छा पेड़ के ऊपर, उसको फिल्टर करके फिर शिलाजीत को निकाला जाता है। और पचमढ़ी का शिलाजीत
336 बीमारों की कम है। बाजार में आपको जो डाबन चकनप्रास मिलता है इसकी मात्रा जरूर होती है। पॉपुलर जो होता है दमा सांस हो गया, हड्डियाँ मजबूत करता है, खून बढ़ाता है, ब्लड साफ करता है, लो बीपी ताकत के लिए होता है। एक जानवर का नाम बताइए, कौन सा देखेंगे? क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल तो दिखाऊंगी आपको। उसके अलावा एल एनिमल लायन। सामने देखें दो पहाड़ दिख रहे हैं। हाँ। राइट में बाहर को पत्थर निकला वो शेर हाँ। निकलते दिख रहा है। पूरा लॉइन का फेस दिखेगा आप लोग। हाँ। दिख रहा है सभी? ये है ना ऊपर वो सामने में। हाँ। उसके बाद देखेंगे अपन। देखिए अभी आपके हाथ में जो पत्ता दिया मैंने, ये पत्तियां लटकी दिख रही हैं आपको बेल? हाँ। इसमें से ये वही पत्ता है? नहीं वही पत्ता। अपन ये गुफा जो देख रहे हैं ये 13 किलोमीटर तक गई है, मतलब अंदर गई हुई है। यहाँ पे 15 साल पहले डिस्कवरी चैनल वाले आए थे गुफा की खोज के लिए। गुफा के अंदर 5 किलोमीटर तक गए थे। पानी की मात्रा अंदर बहुत ज़्यादा थी, अंदर ऑक्सीजन नहीं थी। धुएं की मशीन होती है, अंदर का के धुआं छोड़ा था, गुफा को बंद कर दिया गया था। 7 दिन बाद धुआं गुप्त महादेव मंदिर पर निकला था। 5 जगह थे। डिस्कवरी वालों ने धुएं की रफ्तार द्वारा ये पता लगाया था कि गुफा 13 किलोमीटर गई हुई है। और यहाँ ऐसा कहा जाता है शंकर जी इस गुफा से भागे थे तो गुप्त महादेव मंदिर पर निकले, और भस्मासुर से बचने के लिए वो गुफा पर गुप्त हुआ, इसलिए वो मंदिर का नाम गुप्त महादेव। इसके बाद इन गुफाओं से अंदर से पानी बह के आ रहा है। मैंने आपको बताया था ये पहाड़ पानी सोखता है, पीछे कहीं पे भी जाएंगे पानी रिश्ता हुआ मिलेगा। गुफाओं पर जो पानी रिश्ता यहाँ पे इकट्ठा होता है बारिश में, यही पानी जो आप जो शिवलिंग जगह देखेंगे उनसे छूते हुए जाता है। पानी को गंगा जी का महत्व दिया जाता है और